हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आशुतोष। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने जाएंगे मी वाई के नए अपडेट के बारे में, मी वाई 10 के बीटा अपडेट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा भाई लोग, मेरे को थोड़ा सा काम पड़ गया था, इसके कारण आप देख सकते हो रात के 11:15 हो रहे हैं, इसके टाइम को मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करना, मेरे को माफ़ कर देना कि इतना टाइम लग गया वीडियो बनाने में, अगली बार से दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अपडेट, तो अपडेट आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली अपडेट है 10.8.9.20, ठीक है, मई 10 का। और भाई तो इसके अंदर चेंजिंग क्या आए हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं थ्रेड पर, तो क्या चेंजिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारे बग्स इस अपडेट में, खासकर मेरे को, मैं बोलूँ तो जो यहाँ चेंज लॉग है उसमें बहुत ज़्यादा फिक्सेस दिए गए हैं कि क्या है फिक्स किया गया क्या नहीं फिक्स किया गया है। तो उसमें से एक है फेस अनलॉक ऑप्शन डिसअपीयर व्हेन चेंजिंग रीजन टू हाईलैंड। पोको F1 में ये प्रॉब्लम था जिसे फिक्स किया गया। द फिक्स परसेंटेज ऑफ बैटरी हैज़ चेंज द लोकेशन एंड इट्स बिकम क्लोज विथ नेटवर्क्स। तो ये जो प्रॉब्लम था ये आप पहले देख सकते थे, ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये तो ये राइट के जगह लेफ्ट में आ गया था परसेंटेज, तो इसे पहले ही जैसा फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, ओके। उसके आगे क्या है भाई, ये सारे डिवाइसेस के लिए पहले तो हो गया, ठीक है। लीक एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली ऑल डिवाइसेस, ये सभी डिवाइसेस में एक लीक एप्लीकेशन नाम का कोई APK ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया था, इसे इन लोगों ने हटा दिया है, ठीक है। इसके बाद है इन रोटेशन ऑफ स्क्रीन नोटिफिकेशन पैनल सोस PM एज AM फर्स्ट देन टाइम्स ऑल डिवाइसेस। तो ये जब आप अपने स्क्रीन को ऐसे रोटेट करते थे तो AM जो है और PM का जो प्लेस है वो चेंज हो जाता था, ठीक है। तो मतलब वो पहले दिखाता था, उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे यहाँ पे 11:17 हो रहे हैं, उसके बाद PM है, तो यहाँ पे पहले PM आता था, उसके बाद टाइम दिखाता था, तो ये चेंजिंग हो गया। ये मतलब बग था, इसे फिक्स किया गया। क्लियर कैमरा एरर इन हार्डवेयर टेस्ट ऑल डिवाइसेस। तो हाँ फ्रेंड्स, ये जो है वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी था, जो आप देख सकते हो कि एक MIUI का अपडेट में मैंने आपको लोगों को दिखाया था हार्डवेयर टेस्ट जो उसमें आया था, तो उसमें मैंने जैसे ही टेस्ट किया तो उसके अंदर मेरा फ्रंट कैमरा में प्रॉब्लम दिखा रहा था, जबकि प्रॉब्लम था ही नहीं, तो इसे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। सम एप्स आइकन आर नॉट शोइंग इन नोटिफिकेशन पैनल रेडमी नोट 5 ग्लोबल एंड रेडमी नोट 5 Pro इंडिया। पता नहीं भाई लोग, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कितने दिन तक ये इसे फिक्स करेंगे, हर बार करते हैं फिक्स हो गया फिक्स हो गया फिक्स हो गया, हर बार कुछ ना कुछ ऐप का आइकॉन दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है फ्लोटर इन व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ओवरलैप्स विथ न्यू मैसेज इंफॉर्मेशन ऑल डिवाइसेस। तो इसे भी फिक्स किया गया है कि जो नोटिफिकेशन आता था वो फ्लोटर नोटिफिकेशन तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर ओवरलैप हो जाता था आगे पीछे, तो उससे फिक्स कर दिया गया। पता नहीं है कब नोटिफिकेशन का पंगा ही है, सब कब फिक्स करने का समझ नहीं आता। सबसे अच्छा कि नोटिफिकेशन का पंगा ही बंद कर दो, नोटिफिकेशन ही बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट इन वॉल्यूम बार डू नॉट ट्रांसलेट टू रशियन। तो ये जो प्रॉब्लम था इसे फिक्स कर दिया गया, ठीक है। उसके आगे है सम कैरेक्टर्स इन वॉल्यूम पैनल आर नॉट ट्रांसलेटेड इन रशियन। तो ये दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों में रशियन लैंग्वेज जो ट्रांसलेट नहीं हो पाता था तो उसे फिक्स कर दिया गया है, तो हम लोग का कोई काम का नहीं है जो रशियन है उनके लिए काम का, ठीक है। आगे है मी शोट डज नॉट वर्क, तो ये पंगा था, इसे फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट में। वॉल्यूम पैनल्स डिस्प्ले एबनॉर्मली ऑल डिवाइसेस, तो ये कुछ पंगा जो था वॉल्यूम पैनल पे ये वाले में, इसमें पता नहीं क्या था, तो इसे लगता है फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। आगे है प्राइवेट मैसेज सेटिंग्स टेक्स्ट गेट्स क्रॉप्ड इवन विद द लोअर साइज एक्स्ट्रा स्मॉल ऑल डिवाइसेस। तो इसे फिक्स कर दिया गया कि प्राइवेट मैसेजिंग सेटिंग्स जब आप टेक्स्ट गेट्स क्रॉप्ड, उसके अंदर जब आप लिखते थे तो टेक्स्ट क्रॉप्ड हो जाता था, जबकि वो अगर आप उसमें एक्स्ट्रा स्मॉल भी सेलेक्ट करके रखोगे तब पर भी हो जाता, तो ये ऑल डिवाइसेस में था पंगा, इसे फिक्स कर दिया गया। तो यही चेंज लॉग है, और बाकी अगर हम लोग सिस्टम की तरफ बात करने जाएं
यहाँ पे। तो यहाँ पे चेन लॉक के तो आप बारे में जानते ही हो कि व्हाट्स न्यू में जाएंगे तो सिर्फ दिखेगा इंप्रूव सिस्टम है, स्टेबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस, तो ये भी पता नहीं कब ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा यहाँ पे जो बोलूँ तो नोटिफिकेशन पैनल को फिक्स किया गया है, और इसके अलावा मैं सुन रहा हूँ कि रेडमी नोट 5 प्रो में 60 FPS इनेबल हो गया है रिकॉर्डिंग में। तो आप मेरे को बताना कि 60 FPS इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे को तो नहीं मिला है। अगर आपका इनेबल होता है तो आप मेरे को बताना इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, पीस आउट।